रसीदी टिकट भाग 12 ककनूसी नस्ल। इतिहास बताता है कि फीनिक्स यानी ककनूस से अपने आप को पहचानने वाली नस्ल ने अपना नाम फिनिशियन रखा था। ककनूस बार बार अपनी राख में से जन्म लेता है। मनुष्यों की जिस नस्ल ने हर विनाश में से गुजर सकने की अपनी शक्ति को पहचाना, अपना नाम जल मरने वाले और अपनी राख में से फिर पैदा हो उठने वाले ककनूस से जोड़ लिया। ये फीनिक्स सूरज की पूजा से संबंधित है, सूरज जो रोज डूबता है और रोज चढ़ता है। और ये फिनिशियंस, जिनका उद्गम स्थान आज तक इतिहास को ज्ञात नहीं, यद्यपि इनके संबंध समर और हिंदुस्तान से पाए जाते हैं, सदा सूरज की पूजा करते थे। ओन सूरज का एक नाम था, इसलिए फिनिशियंस ने जब यूरोप में नई धरती की खोज की, उसका नाम एलोंडॉन सूरज का शहर रखा, जो आज लंदन है। इसराइल के जब 12 कबीले बिखर गए थे, प्रतीत होता है कि उनमें से भी कुछ लोग फिनिशियंस से जा मिले थे, क्योंकि शब्द इंग्लैंड की जड़ें हिब्रू भाषा में हैं। जोसेफ कबीले का चिन्ह बैल होता था, बैल के लिए हिब्रू भाषा में एंगल शब्द है। नई खोजी हुई धरती को उन लोगों ने एंगल लैंड का नाम दिया, जो आज इंग्लैंड है। मेरे ख्यालों का इतिहास से केवल इतना संबंध है कि उस नस्ल का फीनिक्स से अपना संबंध जोड़ना मुझे बड़ा अपना सा और पहचाना हुआ लगता है। फिनिशियन नस्ल को मैं अपनी भाषा में ककनूसी नस्ल कह सकती हूँ, और दुनिया के सब सच्चे लेखक मुझे ककनूसी नस्ल के प्रतीत होते हैं। रचनात्मक क्रिया की आग में जलते और फिर अपनी राख में से रचना के रूप में जन्म लेते हुए। बहुत वर्ष हुए सूरज और जाड़ा शीर्षक लेख में मैंने लिखा था, सूरज के डूबने से मेरा रोज कुछ डूब जाता है और फिर उसके आकाश पर चढ़ने के साथ ही मेरा रोज कुछ आकाश पर चढ़ जाता है। रात मेरे लिए सदा अंधेरे की एक चिनाब सी रही है, जिसे रोज इसलिए तैर कर पार करना होता है कि उसके दूसरे पार सूरज है। और लिखा था, ये सब कुछ चेतन तौर पर नहीं हुआ, कब हुआ क्यों हुआ पता नहीं, मैंने सिर्फ इसे चेतन तौर पर समझने का प्रयत्न किया है। याद है बहुत छोटी थी जब सूरज के डूबने के समय अचानक रोने लगती थी। माँ कभी प्यार करती, कभी झिड़क देती और कभी मुझे थपक कर सुलाते हुए कहती, बस आंखें मीची सूरज आया। उसे रोज मेरा प्रश्न होता था, पर सूरज डूबा क्यों? सूरज का जिक्र बार बार मेरी कविताओं में आता रहा। केवल 1973 में मैंने चेतन तौर पर पुरानी रचनाएं खोजी, देखा कि यह जिक्र कैसे कैसे आता रहा। 1947 में देश के विभाजन के समय जबरदस्ती उठाकर ले जाई गई औरतों की कोख से जन्मे मजबूर बच्चे की जबानी एक कविता लिखी थी। मेरा ख्याल है सूरज का पहला और सशक्त वर्णन उसमें आया था। धिकार हूं मैं वो जो इंसान पर पड़ रही, पैदाइश हूं उस वक्त की जब टूट रहे थे तारे, जब बुझ गया था सूरज। उसी वर्ष देश की स्वतंत्रता के साथ बहुत से सपने जोड़कर एक कविता लिखी थी, मैं हिंद का इतिहास हूं, और आजादी के लिए कहा था, चंद्रमा जो अंबर से झुका है इसे प्रणाम करने को, और सूरज जो नत हुआ है इसे सलाम करने को। निजी मोहब्बत की भरपूर तीक्ष्णता मैंने 1953 में देखी थी। उस समय की कविताओं में सूरज का वर्णन इस प्रकार हुआ है, चंद्रमा से भी श्वेत शरीर पृथ्वी का, सब किरणें सूरज में से किरमची रंग ढोकर लाई, हमने सूरज को घोलकर धरती का रंग लिया, पूरब ने कुछ पाया है कौन से अंबर को टटोलकर, जैसे हाथ में दूध का कटोरा उसमें केसर घोल दिया है, सूरज ने आज मेहंदी खोली, हथेलियों पर आज दोनों तकदीरें रंग गई। इस सूरज को केसर वाले दूध के कटोरे के रूप में और इसकी लाली को मेहंदी के रूप में मैंने केवल तभी देखा था, फिर इसका वर्णन उदास होता गया। पश्चिम में लहर उठी, सूरज की नाव डोल गई, गठरी पोटली उठाए, अब सांझ हमारी ओर आ रही है, बरसों तक सूरज जलाए, बरसों तक चांद जलाए, आकाशों से जाकर चांदी रंग के तारे मांग लाई, किसी ने आकर दिया ना जलाया, घोर कालक प्राणों से लिपटी रही, जैसे बरसों की बाती से रोशनी बिछुड़ी रही, पूरब से आंधी उठी अंबर पर छा गई, और चढ़ते सूरज को कैसे उसने धुन दिया, सूरज सरकंडे सा काले कोसों चलता हुआ, धूप न जाने कहां गई, सूरज सरकंडे सा पड़ा है किरणें मूंज जैसी, पूरब ने चूल्हा जलाया पवन फूंके मार रही, किरणें ऊंची हुई जैसे आग की लपटें, सूरज ने हांडी चढ़ाई धूप आटा गूंधने लगी, खेतों की हरियाली जैसे बिछावन बिछाया हो, आज तो आ जाओ परदेसी कल की कौन जाने, सूरज की पीठ की फागुन ने उठते हुए सब कठरी पोटली बांध ली। ये भी 365 दिन यूं ही चले गए, हमारी आग हमें मुबारक, सूरज हमारे द्वारे आया और उसने आज एक कोयला मांगकर अपनी आग सुलगाई,
दिलों के नाजुक पोरों में किरणों ने सुइयां चुभाई जो आर पार हो गईं। ये यादों का दावा नल लाख पल्ले को बचाया पर किनारा छू गया। आज चांद सूरज प्राणों का वाणिज्य करते हैं और उजाले से भरे झाबे दोनों उलटते हैं। फिर हमें क्यों तेरी दहलीज याद आ गई। आज लाखों ख्याल सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं। उम्र के द्वार मत भेड़ो, चलना अभी बहुत बाकी है। अभी सूरज का उपटन धरती अंगों पर मल रही है। नींद के होठों से जैसे सपने की महक आती है, पहली किरण रात के माथे पर तिलक लगाती है। हसरत के धागे जोड़कर शालू सा हम बुनते रहे, विरह की हिचकी में भी हम शहनाई को सुनते रहे। रात की भट्टी को किसने जलाया, सूरज की देग कैसे खोलती है। बात है दुनिया की, है दुनिया वालों, इश्क को फिर देग में बैठना है। सूरज का पेड़ खड़ा था, किरणों को किसी ने तोड़ लिया और चांद का गोटा अंबर से उधेड़ दिया। सूरज का घोड़ा हिन हिनाया, रोशनी की काठी गिर गई। उम्रों के फैसले तय करता हुआ धरती का पथिक रो उठा। अंबर के आले में सूरज जलाकर रख दूं, पर मन की ऊंची ममटी पर दिया कैसे रखूं। आंखों पर धुंध का गिलाफ लिए किसकी पगधूली चूमने सूरज की परिक्रमा करती ठहर गई धरती। नजर के आसमान से है चल दिया सूरज कहीं, पर चांद में अभी भी उसकी खुशबू है आ रही। सूरज ने कुछ घबराकर आज रोशनी की एक खिड़की खोली, बादल की एक खिड़की बंद की और अंधेरे की सीढ़ियां उतर गया। अंबर एक आशिक निढाल सा बैठा धुंध का ही हुक्का पी रहा और सूरज के कोयले से रेखाएं खींचता किसी की राह देख रहा। आज पूरब की खटिया खाली है, सुबह बैठने को नहीं आई। पावरा अंबर उसे धरती की खाई में ही खोज रहा। मुंह में निवाला नहीं, निवाले की बातें रह गई। आसमां पर रातें काली चीलों की तरह उड़ रही। सूरज एक नाव है जो पश्चिम की लहर से डूब गई। सूरज रुई का एक गाला है जिसे गहरी आंधी ने धुन दिया। सूरज एक हरा जंगल है जो सूखकर सरकंडा बन गया है। सूरज दिल की आग से खाली है, इसने मेरे दिल की आग से कोयला मांगकर अपनी आग सुलगाई थी। सूरज सुइयों की एक पोटली है जो मेरे पोरों के आर पार हो गई है। सूरज एक खोलती हुई देग है जिसमें आज मेरे इश्क को बैठना है। सूरज एक पेड़ है जिस पर से किसी ने किरणें तोड़ ली हैं। सूरज एक घोड़ा है जिसके ऊपर से उजाले की काठी उतर गई है। सूरज एक दिया है जिसे अंबर के आले में रखकर जलाया जा सकता है। सूरज मेरे दिल की तरह है जो घबरा कर अंधेरे की सीढ़ियां उतर जाता है। सूरज एक बुझा हुआ कोयला है जिससे अंबर लकीरें खींचकर किसी की राह देखता है। सूरज एक उम्मीद है जिसके बिना रातें काली चीलों की तरह आसमान में उड़ रही है। सूरज के ये अनेक रूप देख रही हूँ और इनमें चेतना का रूप भी है। दिल के आंगन में रात उतर आई, इस दाग को कैसे सुलाऊं। दिल की छत पर सूरज चढ़ आया, इस दाग को कैसे छिपाऊं। अभी भोर हुई है, छाती को चीरकर छाती में सूरज की किरण पड़ी है। जिंदगी जो सूरज से शुरू होती है, सब ग्रह पार कर अंत में फिर सूरज की ओर लौटती है। ये क्रिया भी अचेतन तौर पर लिखी गई थी, आज उसे चेतन तौर पर देख रही हूं। दिल के पानी में लहर उठी, लहर के पैरों से सफर बंधा हुआ। आज किरणें हमें बुलाने आई, चलो अब सूरज के घर चलना है। निजी मोहब्बत की कविताओं के अतिरिक्त सूरज और कविताओं में भी बलात आता रहा, जैसे मैंने हो ची मिन से हुई अपनी मुलाकात पर कविता लिखी थी। वियतनाम की धरती से पवन भी आज कुछ पूछ रही है, इतिहास के गालों पर से आंसू किसने पोंछा। धरती को आज गई रात एक हरियाला सपना आया, अंबर के खेतों में जाकर सूरज किसने बोया। और जंग की भयानक आवाजों से मुक्त हुई धरती की आकांक्षा में जो कविताएं लिखी, धरती ने आज पुछवाया है भविष्य की लोरी कौन लिखेगा। कहते हैं एक आशा किरणों की कोख में आई है। पूरब ने एक पालना बिछाया, जद्दी पुश्तैनी एक पालना, सुना है सूरज रात की कोख में है। अर्ज करे धरती की दाई, रात कभी बांझ ना हो, पीड़ा कभी बांझ ना हो। ये सारी कविताएं वो हैं जो 1947 और 1959 के बीच के वर्षों में लिखी थी। इसके बाद के 13 वर्ष और हैं, देख रही हूं इनमें भी सूरज का उल्लेख है। मुझे वो समय याद है जब एक टुकड़ा धूप का सूरज की उंगली पकड़कर अंधेरे का मेला देखता भीड़ों में खो गया। गलियों की कीचड़ पार कर अगर तू आज कहीं आए, मैं तेरे पैर धो दूं। तेरी सूरजी आकृति मैं कंबल का किनारा उठाकर हड्डियों की ठिठुरन दूर कर लूं। एक कटोरी धूप की मैं एक घूंट में पी लूं और एक टुकड़ा धूप का मैं अपनी कोख में रख लूं। मैं कोठरी दर कोठरी रोज सूरज को जन्म देती,
मैं रोज सूरज को जन्म देती और रोज सूरज यतीम होता। इस नगर में भी सपने आते हैं, कितने विचारों के द्वार बंद करो फिर भी भीतर आ जाते हैं। कहीं संगमरमर की घाटी है, उसकी बात कह जाते हैं और सारा नगर उनके कहने में नींद में चल देता है और फिर रास्ते में उसे सूरज की ठोकर लग जाती है। डेढ़ घंटे की मुलाकात, जैसे बादल का एक टुकड़ा आज सूरज के साथ टका हो। उधेड़ चुकी हूं पर कुछ नहीं बनता और लगता है कि सूरज के लाल कुर्ते में ये बादल किसी ने बुन दिया है। सूरज को सारे खून माफ है, दुनिया के हर इंसान का वो रोज एक दिन कत्ल करता है। अंधेरे के समुद्र में मैंने जाल डाला था, कुछ किरणें कुछ मछलियां पकड़ने के लिए, कि जाल में पूरे के पूरा सूरज आ गया। इस समय की लेनिन और गुरु नानक जैसे व्यक्तियों से संबंध में लिखी हुई कविताओं में भी सूरज का उल्लेख है। तू मेरे इतिहास का कैसा पात्र है, मेरी दीवार की कैलेंडर से निकलकर तू रोज उसकी तारीख बदलता है और मुझे एक नए दिन की तरह मिलता है। कैलेंडर से बाहर आकर तू सड़कों पर निकल कर चलता है तो एक धूप निकल आती है। कच्चे गर्भ के दिन है, मेरा जी नहीं ठहरता, दूध बिलौने बैठे लगा मक्खन आ गया है। मैंने हांडी में हाथ डाला तो सूरज का पेड़ा निकल आया। गुरु नानक की पत्नी सुलखनी की ओर से जो कविता लिखी वो सारी की सारी सूरज से भरी हुई है। मैं एक छाया थी, एक छाया हूं, मैंने सूरज की यात्रा के साथ यात्रा की है, सूरज की धूप पी है और धूप की एक नदी में नहाई हूं। ये सूरज परीक्षा का समय था और सूरज परीक्षा का अंत नहीं था। छाया की इस कोख को एक हुक्म था कि अपने अंधेरे में से उसे किरणों को जन्म देना है, किरणों की जन्म पीड़ा सहनी है और छाया की छाती में से किरणों को दूध पिलाना है। और जब सूरज चतुर्दिक घूमेगा, बहुत दूर जाएगा, तो छाया ने पीछे रहकर उन बिलखती हुई किरणों को बहलाना है। सूरज की मैंने अनेक रूपों में कल्पना की है, यहां तक कि उसके साथ भोग की कल्पना भी। एक कटोरी धूप को मैं एक घूंट में ही पी लूं और एक टुकड़ा धूप का मैं अपनी कोख में रख लूं और सूरज से धारण किए गर्भ में से सूरज के पैदा होने तक ये जिक्र पहुंचा, कोठरी दर कोठरी में रोज सूरज को जन्म देती। पूजा के रूप में मैंने कभी सूरज की पूजा नहीं की, पर ये उसके लिए कैसी तड़प है कि उसके अस्तित्व को अपनी कोख के अंधेरे तक भी ले गई हूं। और इसी विचार को सुलखनी के विचार में भी डाल दिया है। ऐसा लगता है कि मुझ जैसे कुछ लोग चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी शताब्दी में, ककनूसी नस्ल के ही होते हैं। कहते हैं ककनूस पक्षी चील की लंबाई चौड़ाई का होता है, इसके पंख चमकीले किरमिची और सुनहरे होते हैं, इसके स्वर में संगीत होता है और ये सदा एक ही अकेला होता है। इसकी आयु कम से कम 500 वर्ष होती है, कुछ इतिहासकार इसकी आयु 1461 वर्ष मानते हैं। इसकी आयु का अनुमान 97,200 वर्ष भी है। इसकी आयु की अवधि जब शेष होने लगती है, ये सुगंधित वृक्षों की टहनियां इकट्ठी करके एक घोंसला बनाता है और उसमें बैठकर गाता है, जिससे आग पैदा होती है और एक घोंसले सहित उसमें जल जाता है। इसकी राख में से एक नया ककनूस जन्म लेता है जो सारी सुगंधित राख को समेट कर सूरज के मंदिर की ओर जाता है और वो राख सूरज के सामने चढ़ा देता है। कुछ इतिहासकार इसके मृत्यु का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि जब इसे जीवन के अंतिम समय का आभास हो जाता है, इस स्वयं उड़कर सूरज के मंदिर में पहुंच जाता है और पूजा की आग में बैठ जाता है। ये जब आग में बिल्कुल राख हो जाता है तो इसकी राख में से नया ककनूस जन्म लेता है। मिथ्स यानी इजिप्ट के पुराने इतिहास के पक्षी का घर उधर बताया जाता है, जिधर सूरज उदय होता है। इसलिए इतिहासकार इस पक्षी का मूल स्थान अरब या हिंदुस्तान मानते हैं। हिंदुस्तान अधिक क्योंकि सुगंधित वृक्षों की टहनियां हिंदुस्तान की भूमि के साथ जुड़ती हैं। लैटिन के एक कवि ने ककनूस को रोमन राज्य से संबंधित किया है। कुछ पादरियों ने इसे क्राइस्ट के मृत्यु और उसके पुनर्जीवित होने की वार्ता से संबंधित किया है और कुछ लोग इसे कवारी माँ की कोख से जन्मे क्राइस्ट के जन्म से जोड़ते हैं। पर मैं इसे हर सच्चे लेखक के अस्तित्व से जोड़ना चाहती हूँ, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो किसी शताब्दी का।